हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आप लोग भी वोल्वो का पोकलेन चला रहे हैं? तो आपको ऐसा एक ये आ रहा होगा प्रॉब्लम, वो आप देख सकते हैं, मैं आपको कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। देखिए, आप अभी दिखा रहा हूँ आपको कंप्यूटर में, इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमारा 480 मशीन है। 480 हो या 210 हो या 200 हो, कुछ भी हो, ऐसे ही आता है। तो आपको बता रहा हूँ इसमें कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये स्टार्टर, इसको चाबी ऑन करता हूँ। देखिए, चाबी ऑन करूँगा। अब देखिए, एक कंप्यूटर है इसमें। देखिए, अभी कुछ नहीं भी, देखिए बताएगा आपको। देखिए, ऐसा प्रॉब्लम आता है, वार्निंग कंप्यूटर फेलियर, ईसीयू प्रॉब्लम है ये। अभी देखिए, यहाँ पे ये करूँगा, देख सकते हो दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। तो इसको ये देखिए, अभी नीचे किया तो क्या लिख रहा है, कम्युनिकेशन फेलियर लिख रहा है। अब इसको एक बार और ये करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए, प्रॉब्लम बता रहा है, चेक फॉल्ट एक्टिवेट यस, एरर कोड सोर्स बताया है। देखिए, ICU फर्स्ट इवेंट, नोट इवेंट। तो कितना लोग वीडियो, बहुत लोग बनाया है यूट्यूब पे, पर वो लोग पूरा का पूरा ECU चेंज करने बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, पहले आपको, उससे पहले आपको फ्यूज में देखना पड़ेगा, उसके बाद ECU चेंज होगा। नहीं तो कोई भी मिस्त्री आता है, ECU चेंज करके चला जाएगा, आपको से पैसा ले लेगा। तो आपको दिखाता हूँ, अभी चलते हैं, आपको दिखा रहा हूँ पीछे जाके क्या सिस्टम है। इस तरह से आ रहा है, अभी मैं बैक करके देख रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है। अब ये देखिए, इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, आपको जाना है अपना फ्यूज बॉक्स के पास, अभी मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, एक मिस्त्री लगा हुआ है। ए मिस्त्री, क्या हुआ, फ्यूज मिला? इसका कोई मसला नहीं है। देखिए, खाली फ्यूज का प्रॉब्लम है, ये फ्यूज निकालेगा। अब देखिए, फ्यूज से हो जाएगा। दिखाओ वीडियो। ये देखिए, ये वाला फ्यूज है, ये फ्यूज का नाम है, क्या नाम है, VECU। दिखा बोर्ड में, दिखा। ये देखिए, बोर्ड में दिख रहे हैं आप, ये VECU लिखा हुआ है, VECU 10 नंबर, FU07 क्या बोलते हैं, 480 मशीन है ये, इसी 480। अभी इसको लगा दो। ये देखिए, फ्यूज हमारा मार दिया है, लगा रहा हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से लगा रहा हूँ, मेरे पास नया फ्यूज नहीं है, इसके लिए वायर भी लगा के काम कर सकता है आदमी, आप भी कर सकते हैं इस तरह से लगा के वायर। लगाओ ना, अब कह लगा रहा है उतना, हाथ नहीं रहा हूँ, बस हो गया, लगा जा। देख, ये देखिए, लगा दिया। अभी आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम आता है कि नहीं। ये देखिए, अभी मैं चाबी ऑन करूँगा। देखिए, अभी ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अभी चालू भी हो जाएगा। देखिए, देखिए चालू भी हो गया, RPM बता रहा है। तो इस तरह से बनाना है। आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको ECU बोलते हैं। ये देखिए, आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, साइड में देख सकते हैं, ये फोटो में जो दिख रहा है वो MCU है, जो हुंडई में MCU बोलते हैं, और इसको इसमें सभी वोल्वो में बोलते हैं ECU। तो ये ECU है, इसी को खोल के तुरंत चेंज करने बोलता है लोग। इसको चेंज करना मतलब पूरा वायर शॉर्ट हो जाता है, तभी चेंज होता है ये। तो पहले, इससे पहले फ्यूज चेक कर ले, उसके बाद में अगर फ्यूज सही है और वो खराब हो गया है, तब जाके उसको चेंज किया जाता है। तो चलिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
ताकि और ऐसा हम वीडियो बना सके और आपके पास मिल जाए।